बात से बात निकलती है, एक होती है इज्जत और एक है हुब्बे जाह, दोनों में फर्क है। इज्जत तो इंसान की फितरत है, इज्जतदार लोगों को इज्जत चाहिए। हुब्बे जाह का मतलब तकब्बुर, ये अलग चीज है, इन दोनों में फर्क है। तकब्बुर का मतलब ये होता है बाज लोग हर चीज में अपनी टांग ऊंची रखने की कोशिश करते हैं, दूसरे को नीचा करते हैं, ये तकब्बुर है, ये चीज अल्लाह को पसंद नहीं है। इसी तरह अपने बड़े के सामने बड़ा बनने की कोशिश करना, यह भी तकब्बुर है। जैसे शैतान को अल्लाह ने हुक्म दिया, या मौजू ना चेंज हो जाए, जरा संभाल के रखें क्या बात चल रही थी। शैतान को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, शैतान ने क्या कहा कि आदम छोटा मैं बड़ा, ठीक है ना। तो आम हालात में अगर आदम अलैहिस्सलाम खुद शैतान को कहते ना कि मुझे सजदा करो, फिर शैतान कहता मैं कि तुम बाद में आओ, मैं सीनियर हूं, तो इसकी कोई लॉजिक निकल सकती थी कि भाई ये शैतान को अपनी इंसल्ट महसूस हो रही है। जैसे कोई सीनियर हो, जूनियर आके एकदम सीनियर बन जाए, तो पहले से जो सीनियर होता है उसको एक किस्म की बेइज्जती महसूस होती है, ये नेचर है, ये गलत नहीं है। लेकिन शैतान का अमल ये इज्जत का हुसूल नहीं था, बल्कि ये तकब्बुर था। इसलिए कि ऑर्डर देने वाला कौन है? अल्लाह है। तो भाई तू जब अल्लाह के हुक्म का इंकार कर रहा है, तो ये अल्लाह से बड़े बनने की कोशिश कर रहे हो आप, अल्लाह से आप छोटे ही रहोगे चाहे कितने बड़े बन जाओ। तो आप अगर दोस्तों में अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं, दोस्त ने कोई गलत बात कह दी, आपको बेइज्जती महसूस हो रही है, जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, ये नेचुरल है, ये तकब्बुर नहीं है। बाप ने कोई ऐसी बात कह दी, अब आप बाप के सामने सीना चौड़ा कर रहे हो, ये इज्जत नहीं है, ये क्या है? किब्र है, तकब्बुर है। भाई तुम अपने बाप से, यानी वो तो तुम्हारा बाप है। लोग कहते हैं ना जब किसी को ताना देना होता है कि वो उसको आने दो, यहां हम उसका भी बाप है, कहते हैं ना लोग, यानी इस चीज में हम उसका भी बाप है, हम उससे दो हाथ आगे हैं। तो वालदैन के सामने अकड़ना, अपने बड़ों के सामने अकड़ना, उलमा के सामने अकड़ना, बुजुर्गों के सामने अकड़ना, ये अकड़, ये इसको ये नहीं कहेंगे इज्जत का हुसूल, बल्कि इस अकड़ को क्या कहा जाता है? तकब्बुर। बड़ों के सामने छोटा बन के रहो, अपने जैसों के सामने या अपने मातहतों के सामने जो है ना, वो इंसान को ये एहसास होता है और होना भी चाहिए। हां कोई बड़ा ज्यादा बेइज्जती कर दे और आपकी हैसियत को बहुत ज्यादा घटा दे, उस पर भी इंसान को अफसोस होता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम चीजों की रियायत किया करते थे, तभी तो नबी जैसे अखलाक किसी के नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जतदार लोगों को बहुत इज्जत देते थे, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो, चाहे वो काफिर क्यों ना हो, क्योंकि जब एक दफा किसी को मुआशरे में इज्जत मिलती है, तो वो काफिर भी अगर होगा ना, तो वो अपनी बेइज्जती नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा। अबू सुफियान सरदार थे, सारी जिंदगी सरदारी में गुजारी, इस्लाम दुश्मनी में गुजारी, लेकिन जब मक्का फतह हुआ, अबू सुफियान मुसलमान हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया कि उनको पेशानी के बाल से पकड़ के घसीटा हो, घोड़े के पीछे बांध दिया हो कि इनको मदीना की गलियों में घसीटा जाए। इन्होंने सारी जिंदगी इस्लाम दुश्मनी में गुजारी, सारी जिंदगी ये किया, सारी जिंदगी ये किया, ना 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 भाई, सरदार आदमी है, तो अब इस्लाम कबूल किया है, तो उनको ऐसा प्रोटोकॉल दिया जो दूसरों को नहीं दिया। क्या फरमाया? जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया, उसका खून हम पर हराम है, बस जंग है ना, जो भी दुश्मन आएगा गर्दन उड़ेगी उसकी, लेकिन जो अबू सुफियान के घर में चला गया, उसका खून, उसकी गर्दन नहीं उड़ेगी, उसको अमन मिल गया। कितनी इज्जत दी, कितनी इज्जत दी अबू सुफियान को, क्योंकि सरदार थे। हजरत खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने गजवाए उहद में मुसलमानों की का बहुत ज्यादा नुकसान किया था। 70 आदमी जो शहीद हुए हैं सहाबा में, 70 बड़े बड़े सहाबा, उसमें सबसे बड़ा किरदार किसका था? खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह ताला, उन्होंने पलट के हमला किया था ना गजवाए उहद में, कितना नुकसान पहुंचाया। फिर सुलह हुदैबिया में जो लड़ने के लिए आए, वो खालिद इब्ने वलीद आए, लेकिन जब सुलह हो गई तो खालिद इब्ने वलीद तलवार की नोक से इस्लाम नहीं कबूल कर रहे थे, इज्जतदार आदमी थे ना, इसमें जिल्लत महसूस करते थे, भाई मैं शिकस्त खा के इस्लाम कबूल करूं, ये कैसे हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको को इज्जत दी,
और एक कासिद भेजा और कहा कि खालिद इब्ने वलीद से जाके कहो कि तुम्हारे जैसा समझदार आदमी, जहीन आदमी अभी तक काफिर है, ये हमारी समझ में नहीं आता। बड़ी ताज्जुब की बात है, इतना जहीन आदमी, इतना होशियार आदमी, और अभी तक उसकी समझ में इस्लाम नहीं आ रहा। और फिर ये भी फरमाया कि तुम अगर इस्लाम कबूल करोगे तुम्हें यहां इज्जत मिलेगी। खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह ताला उन्होंने इस्लाम कबूल किया। फिर जब इस्लाम कबूल किया तो अब आप देखें, उन्होंने सारी कुर्बानियों का रुख गैर मुस्लिमों के खिलाफ फेर दिया, इस्लाम दुश्मनों के खिलाफ। कैसी कुर्बानियां दी, सारी जिंदगी लड़ते रहे। और फिर जब हजरत उमर का दौर हुकूमत आया तो हजरत उमर ने उनको माजूल कर दिया, कोई भी अपनी बेइज्जती महसूस नहीं की उन्होंने। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे तो नबी ने कमांडर बनाया था, मुझे तो अबू बकर ने कमांडर बनाया था, और मेरे हाथ पे इतनी बड़ी बड़ी फुतूहात हैं, उमर कौन होते हैं मुझे माजूल करने वाले। अगर ये कह देते तो ये क्या होता, तकब्बुर। मैं कह रहा था ना, इज्जत की तलाश अलग चीज है, तकब्बुर अलग। हजरत खालिद भी चाहते थे मुझे इज्जत मिले, चाहते थे ना, इज्जतदार आदमी थे, बेइज्जती नहीं चाहते थे अपनी, इज्जत मिल गई इस्लाम में। लेकिन हजरत उमर कह रहे हैं आप माजूल हैं। अब अगर कहते नहीं मैं अमीर बनूंगा तो ये इज्जत का हुसूल ना होता, बल्कि ये क्या होता, तकब्बुर। इसलिए कि आपसे भी बड़े हैं उमर, वो अमीरुल मोमिनीन है, आप उनके ऑर्डर को ठुकरा रहे हो। सिर्फ ये भी नहीं कि फौरन माजूल हो गए, हम होते तो कितने दलाइल देते, मुझे तो नबी ने बनाया है, मुझे तो नबी ने सैफुल्ला कहा है, मुझे तो अबू बकर ने बनाया, आप कौन होते माजूल करने वाले। ना 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 ना, फौरन माजूल हो गए। लोगों ने कहा कि आप तो अमीर थे, आप तो खुद तो नबी ने बनाया। फरमाया कोई बात नहीं, पहले कमांडर बन के लड़ता था अल्लाह की राह में, अब सिपाही बन के लड़ूंगा। सिपाही बन के लड़ने का अपना मजा है, जरा भी तो यानी दिल तंग नहीं हुआ, जरा भी अपनी बेइज्जती महसूस नहीं की। तो ये है इज्जत का हुसूल और तकब्बुर, इन दोनों में फर्क होता है। हम बाज दफा तकब्बुर होता है हमारे अंदर, हम समझ रहे होते हैं कि मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता, तो बेइज्जती नहीं होती, आपको शैतान की तरह बड़ा बनने का हर जगह शौक होता है। इसी तरह ये भी याद रखो कि बात से बात निकलती है, जो बड़ों के सामने जरूरत से ज्यादा बोलना ये भी तकब्बुर है। जब बड़े हजरात बैठे हैं, हमारे यहां उसूल ये है कि हमारे जब असातिज़ा बैठे होते हैं, कोई मसला हमसे पूछता है तो हम नहीं जवाब नहीं देते, भाई ये बड़े बैठे हैं इनसे पूछो। हम ऐसे बन जाते हैं जैसे क्या हो, जाहिल, आता ही नहीं कुछ हमें, ऐसे बन जाते हैं जाहिल जैसे, जब तक वो खुद ऑर्डर नहीं देंगे नहीं होता भाई। तो ये चीज हमने अल्हम्दुलिल्लाह मदरसों में तो देखी है, बाहर की दुनिया में जरा, बाहर की दुनिया में ऐसा नजर आता है हर आदमी फंटर बना हुआ है, कहता है जितना मुझे आता है इतना